नमस्ते मैडम, कैसे हैं आप? बस सर अच्छे हैं। आप कैसे हैं मैं भी बहुत अच्छा हूँ मैडम। कहाँ से, कौन से शहर से बात हो रही है जी? अच्छा सर? यूपी से डिंकी फतेहपुर। जी जी, फतेहपुर से। रशिका सर। जी, आप आपकी फोटोज आई हैं और मुझे जी सर। कोमल जी ने भेजा है। उन्होंने बोला कि सर इनका वेट ज्यादा नहीं कम हुआ, वेट तो 10 ही किलो कम हुआ है, लेकिन इनका इंचेस लॉस जी बहुत सर। अच्छा हुआ है। ये जो हम जी देख रहे सर। हैं, ये पिक्चर आपकी, ये जी सर। कब की है ये पिक्चर आपकी? सर ये है, ये पिक्चर कब की है मेरी? ये वाली आपके बर्थडे की है ना? अच्छा, सर 6 अगस्त की है। जी इसी साल 6 अगस्त की है सर। आपकी। जी जी सर। सर और ये वाली कब की है मैडम? ये अभी 4 5 दिन पहले की है। 4 5 दिन पहले। तो कितना असर पड़ गया मैडम? क्या कितने इंचेस लॉस हो गए आपके? सर वेट तो जब मैंने चेक किया था, मुझे लग रहा उसमें जून में सर चेक किया था, हाँ, अपने नंद के यहाँ गई थी मैं, वहाँ चेक किया था पंजाब में सर, तो मेरा 71 kg था, ओके। 71 kg कुछ ग्राम था। उसके बाद सर मैंने जुलाई, तो जुलाई में मैं काफी मतलब परेशान थी सर अपने वेट से, बहुत कुछ किया था। एक वो थी मतलब एक ऐप थी, मेरे व्हाट्सएप ने अभी दिया है, उनका सर कोर्स था 6,000 रुपये लगाइए और आपका 1 महीने में 5 kg कम होगा, और यही सब चीजें थी सर। तो मैं इतना परेशान थी, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मैम अपना कोई जिसका वेट कम हुआ हो उनका बताइए, उनसे बात कराइए मेरी। तो उन्होंने एक नंबर भी दिया था, उन्होंने बोला कि हाँ बहुत अच्छा है आप कर लीजिए। पर सर एक तो मिडिल क्लास फैमिली आप समझ ही सकते हैं, जी उसके बाद फिर सर हिम्मत नहीं पड़ती थी बिलीव करने का, मानी क्योंकि उनकी कैश ऑन डिलीवरी वगैरह भी नहीं थी, ऑनलाइन पेमेंट कर ली। उसके बाद आपकी आपका जो खाने पीने का सामान है वो सब प्रोटीन वगैरह आएगा, फिर आप उसको यूज करेंगे। सर 2 3 बार हिम्मत करी तो मगर हुई नहीं, तो फिर सर नहीं किया। उसके जी बाद सर यूट्यूब में वीडियो वगैरह देखते थे, तो एक दिन आपकी हाँ वीडियो देखी, जी तो जब आपकी वीडियो देखी तो मैंने कहा 32 बार क्या होता है। तो सर हाँ मैंने एकदम होता है कि करके फिर आपकी बहुत सारी वीडियो वगैरह देखी, जी जब बहुत सारी वीडियो देखी ना सर उसमें लोगों का देखा बहुत वेट कम हुआ है। मैंने कहा कुछ लोग कह रहे थे हमने एक्सरसाइज भी नहीं की, हमने वॉक भी नहीं किया, हमने कुछ भी नहीं किया, फिर भी हमारा वेट कम हुआ है। तो यही चीज मैंने सोचा, मैंने कहा चलो करके देखते हैं। सुबह मैंने आपकी वीडियो देखी, मैंने शाम को मुझे लग रहा था मैंने 24 जुलाई से स्टार्ट किया था, ओके मतलब मैं जुम्बा क्लासेस भी ज्वाइन करती थी ऐसे यूट्यूब पे। दीप्ति मैम है, दीप्ति मैम की जुम्बा क्लासेस चलती है, तो सर वही क्लासेस वगैरह मैं सुबह आधे घंटे सुबह आधे घंटे शाम को करती थी। जी पर उससे सर ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि डाइट वगैरह तो वैसी चल रही थी। और सर मैं चावल इतना ज्यादा खाती थी, इतना ज्यादा सर चावल खाती थी, मैं आपको क्या बताऊं कि मेरे हस्बैंड ही सर बहुत मुझे चिढ़ाते थे, कहते थे तुम चावल इतना ज्यादा खाती हो कि क्या बताया जाए। रोटी तो सर मैं ज्यादा नहीं खाती थी, रोटी तो बस मैं 2 ही खाती थी पहले, स्टार्टिंग से मेरी आदत रही है, पर जी चावल की सर क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी। उसके बाद 24 तारीख से मैंने स्टार्ट किया, 4 5 दिन सर मैंने किया, तो 4 5 दिन में वेटिंग मशीन नहीं थी सर, फिर भी मुझे ऐसा फील हो रहा था अंदर से जैसे हल्का लाइट लाइट पन लग रहा था। और स्टार्टिंग में सर बहुत अच्छे से करने की कोशिश कर रही थी, और जुम्बा क्लासेस ज्वाइन की थी वो भी कर रही थी, वॉक भी थोड़ा बहुत करती थी, बस ड्रिंक नहीं पीती थी सर। उसके बाद सर ये हो गया, उसके बाद फिर 1 महीने बाद सर मैंने अपना वेट चेक किया, तो मेरा वेट निकला था 66 निकला था सर, अच्छा, पहले 71 से 66 71 से था। मतलब करीब 5 किलो कम हो गया था। 29 जुलाई से 29 अगस्त को चेक किया था, तो सर इतना निकला था, एक तो मुझे महीने में बहुत 5 किलो। खुशी हुई। जी सर। उसके बाद फिर सर मैंने फिर स्टार्ट करती रही, जुम्बा वगैरह चलता। उसके बाद फिर सर मतलब जब ये हो गया 5 किलो कम हो गया, तो सर मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया कि अब और कम होगा, तो फिर मैंने सर 32 बार वाली ग्रीन टी मीशो से ही मंगाई सर। बट हमारी ग्रीन टी मैडम ग्रीन टी महंगी तो नहीं है? हमारी ग्रीन टी तो 220 रुपये से शुरू हो जाती है। सर हो नहीं पा रही, कोशिश बहुत किया था पर पता नहीं सर उसमें क्या क्या डालना वगैरह, तो मेरे से करने की कोशिश कर रही मतलब मुझे हो नहीं रहा था, तो ठीक है, कोई बात इसी वजह नहीं। से मैंने नहीं किया था। ये है कि मीशो से मेरी आ गई थी जिंदगी। ठीक है उसके जी। बाद सर उसको पिया, उसको पी रही हूँ, और 32 बार तो चल ही रहा है सर मेरा खाना। आप विश्वास नहीं करेंगे सर, मैं अपना चावल देखती हूँ तो मुझे विश्वास नहीं होता सर, मेरा चावल, मैं इतना चावल खाती थी, आज सर मैं सिर्फ 3 या 4 बार चावल खा पाती हूँ। तो मैडम, वो आप जबरदस्ती करते हो या खाया ही नहीं जाता? नहीं सर जबरदस्ती तो खाया ही नहीं जाता। तो ऐसा क्या फर्क आया मैडम? अब जो लोग पहली बार आपको सुनेंगे ना, उनको थोड़ा सा पता चले कि ऐसा करते क्या है, 32 बार में ऐसा क्या जादू करते हैं कि खाना नहीं ज्यादा। करते जो लोग मुझे पहली बार देख रहे होंगे, उन लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि कुछ भी नहीं, आप 32 बार अच्छे तरीके से अगर खाएंगे 32 बार करके, तो सर एक ही रोटी में इतना पेट फुल हो जाता है कि आप दोबारा खाने का मन नहीं करता। एक रोटी खा लो उसके बाद चावल तो बस ले लिए जाते हैं, वो भी पूरी तरीके से चल नहीं पाते, उनको भी जी, छोड़ना पड़ता है। तो कितनी देर लगती है मैडम उसके आपको बाद फिर खाना सर खाने में? कितनी देर लगती है? स्टार्टिंग में जब 1 मंथ में किया था, तो सर 30 35 मिनट्स 40 मिनट्स लग जाते थे जी एक रोटी और थोड़ा सा 2 3 बाइट चावल खाने में बस सर। टाइम बात ये है ना सर कि मुझे जल्दी टाइम जल्दी थोड़ा मेरा इसलिए हो जाता है क्योंकि सर सैलेड वगैरह मैं ज्यादा ले नहीं पाती, जैसे बताते हैं यूट्यूब वगैरह में कि सैलेड लीजिए और सॉल्ट फ्री डे लीजिए, डिटॉक्स वाटर लीजिए। सर आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने कभी सॉल्ट फ्री डे नहीं किया क्योंकि सर मुझसे होएगा ही नहीं तो मैंने सॉल्ट फ्री डे नहीं किया सर, और ये डिटॉक्स वाटर के बस ये है कि सर सुबह उठ के मैं लेमन ल्यूक वार्म वाटर में थोड़ा सा लेमन डाल के उसको पी लेती हूँ, उसके बाद सर आधे घंटे बाद ही ले लेते हैं शुगर वाली, बिल्कुल शुगर वाली। उसके बाद फिर वही अपने जुम्बा क्लासेस, अब तो वो भी बंद कर दिया सर, क्लासेस भी ज्वाइन करना बंद कर दिया, बस अब वॉक होती है सिर्फ रात में,
अच्छा उसके हुआ बाद फिर कितना दूसरे महीने एग्जैक्टली चेक किया, आपका, बहुत कम किया क्या कितना वजन कम हुआ और कितने एग्जैक्टली। सर मेरा इंचेस कम 71 से, अच्छा हुआ? 71 से मेरा 61 हो गया था, 61 अच्छा, 6 ग्राम। जी दो या तीन महीने के अंदर अंदर आपका ये 10 किलो वजन कम हो गया। और सर मैंने अभी चेक किया था सर, सितंबर, सेप्टेम्बर की लास्ट में सर, सर मुझे 29 सेप्टेम्बर को मैंने चेक किया था, तो मेरा 61 वेट निकला था। अच्छा, उसके बाद अभी चेक नहीं किया आपने, अभी नहीं सर, तब तो चेक नहीं किया। अब सर हो दिवाली गया। निकल गई, सब निकल गया, चेक करना है सर, कहीं मिठाई खाई खा के ज्यादा ना पड़ गया। वैसे सर मैंने एक चीज मैडम देखी है कि 32 पार करने से सर वेट बढ़ता नहीं है। नहीं बढ़ता जी, नहीं बढ़ता। यही चीज मैडम आप लोगों की, लोगों तक पहुंचाने के लिए मैं आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि जब भी हम कोई चीज धीरे चबा के खाएंगे, कोई भी इंसान सुनता हो, क्योंकि रश्मि जी जैसे आप बता रहे हैं कि मेरे को 6,000 रुपए किसी ने मांगे थे वजन कम करने के, अब नहीं जहां तक मैं ठीक हूँ, हमने आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया अभी तक वजन कम कराने के लिए। सर, आपके हम किसी से कोई द्वारा पैसा इतने नहीं दिन से लेते परेशान था, आपसे बात हुई है सर आज। जी, हम किसी से कोई पैसा नहीं लेते जी, ये एक मुहिम है। मैं चाहता हूँ दुनिया का हर इंसान जब भी खाना खाए ना, वो धीरे धीरे खाए। इससे क्या फायदा होगा रश्मि जी, अगर आप अपने इंचेस भी चेक करेंगे ना, कपड़ों का जो साइज होगा आपका, सर उसमें बहुत मैंने फायदा अपने होगा। सारे कपड़े मेरे लूज हो गए सर, सारे कपड़े आपने मेरी कितना तो देखी है, सारे जी, कपड़े लूज हो गए, कम से कम सर, कम से कम 3 3 4 4 इंच लूज हुए हैं सर। 3 3 4 4 इंच आपके लूज हो गए हैं, तो अब आपको बहुत कपड़े खरीदने में भी मजा आएगा जब जाएंगे बाजार, तो महिलाओं को तो कपड़े अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है सर। मैं आप विश्वास नहीं करेंगे सर, जब मैं शायद जब मेरा बर्थ हुआ था तब से लेके आज तक सर मैं कभी पतली रही नहीं, ओके कभी पतली नहीं रही सर, मेरा नाम ही मोटे से फेमस था। मतलब बचपन में लोग कहते हैं ना मोटी मोटी, तो सर मुझे किए हुए थे कि मतलब बहुत मोटी है ये वो, शादी में भी शरीर मेरा काफी रहा है सर, उसके बाद भी रहा है, बस एक मेरा बड़ा वाला बेटा हुआ था, ये मेरा बेटा, जी हाय तो सर बड़ा वाला बेटा जब मेरा हुआ था तो काफी मेरा वेट कम हो गया था, वेट तो नहीं सर चेक किया था, मतलब देखने में समझ आया तो बहुत कम हो गया था। उसके बाद से सर मेरा वेट कभी कम नहीं हुआ, पर अब जब मैं वो वाली पिक अपने बेटे के बाद वाली पिक और आज की पिक देखती हूँ सर, सेम लगती है और कम लगता है वेरी उसमें। गुड, वेरी गुड। तो मजा आ रहा है आपको आपको, आप बहुत कॉम्प्लीमेंट्स भी बहुत कर रहे धन्यवाद, हैं। बहुत जी मिलते हैं सर। जी कैसा लगता है मम्मा जब तो कोई कहती है बोलता कि है कि बस आपका, लगता है कि अब बहुत हो गया, अब इससे ज्यादा नहीं करो। हस्बैंड मेरे सर, मेरे हस्बैंड कह रहे थे तुम्हारा तुमसे नहीं हो पाएगा, इससे तो थोड़ी कुछ होता है, जब सर हो गया तो कहते हैं अब बस, अब इससे ज्यादा मत करो वरना बीमार हो जाओगी। मतलब करना नहीं वो मैडम, ये आदत तो ऐसी पड़ एक जाती है लाइफ सर, स्टाइल है। हाँ ये लाइफ स्टाइल है जी, वो एक इस तरीके से खाने की ऐसी आदत पड़ जाती है कि आप सर फास्ट खा ही नहीं सकते हो। नहीं खा पाते। और सर मैगी वगैरह का मुझे इतना शौक था, इतना क्रेज था मेरे घर में सर, मैगी वगैरह बच्चों के लिए बनती रहती लगती, जी मैं सर जी बहुत पसंद थी मुझे मैगी, तो इच्छा ही हट जाती है बिल्कुल, वेरी मुझे गुड। तो बहुत अच्छी लगती चलो, बच्चों को तो अच्छी भी लगनी चाहिए। और क्या बोलते हैं, आपको देख के कोई और आपके दोस्त मित्र, आपके परिवार में कोई ऐसे लोग जिन्होंने धीरे चबा के जी खाना सर। शुरू मेरी किया? नंदे, मेरी नंदोई, मेरे हस्बैंड, मेरे हस्बैंड के दोस्त, बहुत लोगों ने पूछा तुम क्या करती हो, मैंने कहा कुछ नहीं करती, स्लो ईटिंग करनी है बस, 32 बार वेरी खाओ तो क्या कहेंगे, एक कौरे को 32 बार कैसे चबाया जाता है। मतलब कैसे उनको बताया जाए कि कैसे तो चबाया आपको जाता है। आपको आदत कैसे पड़ी मैडम शुरू शुरू में? तो क्योंकि क्या होता है, जब हम परिवार के साथ इकट्ठे बैठ के खाते हैं या टीवी देखते हुए भी कई बार खाते हैं, तो भूल लग जाती है। तो आपको आदत कैसे पड़ी धीरे चबाने की? सर सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग ज्वाइंट फैमिली में है नहीं, मतलब जी है उसी घर में पर हम लोग अलग रहते हैं, मेरे जी हस्बैंड, मैं और मेरे बच्चे। मतलब जी सुबह हस्बैंड खाना ना खा के ड्यूटी चले जाते हैं, मुझे अकेले खाना खाना होता है बच्चे जी को स्कूल से लाने के बाद, तो मैं आराम से खाती हूँ। और शाम को सर जब सब लोग बैठ के टीवी देखते हैं तो मैं अपना खाना खा के दूसरे कमरे में चली जाती हूँ, तो पहले ओके पहले तो मेरे हस्बैंड कहते हैं तुम अकेले वहाँ कमरे में क्यों जाती हो, मैंने कहा धीरे धीरे खाने के लिए आपके साथ तो जल्दी खा लूंगी। तो आपको विश्वास हो गया था जब आपने पहली बार वीडियो देखी थी मेरी, तो आपको विश्वास हो गया था कि ऐसा कुछ होता है? सर थोड़ा एक बार स्टार्टिंग में तो लगा था कि पता नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, इतना लोग पैसा खर्च करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, ऐसा कैसे हो सकता, नहीं होगा। बट सर मैंने कहा जब इतना सब कुछ कर चुकी हूँ, इतनी इतना सर, मैंने इतनी रस्सी कूदी, इतनी जॉगिंग की, इतना वॉक किया, इतनी जुम्बा क्लासेस ज्वाइन की, पर सर 1 इंच भी कम नहीं होता था। पता नहीं जी सर मैं तो कौन सा मैजिक है, मैं तो यही सोचा करती हूँ। मैडम, मैजिक यही है कि ये आपके शरीर को जितने खाने की जरूरत है ना तंदुरुस्त रहने के लिए, उतना खाना आपके जी शरीर में सर भेजता है, उससे ज्यादा खाना अंदर जाने ही नहीं देता। और धीरे धीरे जब हम खाते हैं ना, एक मैंने वो हस्बैंड को बताया था, मैंने कहा हम लोग जो बहुत सारा खाना खाते हैं ना, इतने खाने की हमारे शरीर को जरूरत नहीं है, नहीं हमारा जरूरत एक रोटी में भी पेट भर जाता है, मतलब जल्दी जल्दी खाते हैं इसलिए ज्यादा खा जाते हैं। अब मैडम सर पहली। देखिए मैं एक रोटी खाती इतना चावल खाती हूँ सर, एक रोटी इतना चावल खाती हूँ, उसके बावजूद सर मेरे अंदर एनर्जी भी पूरी है, मुझे वीकनेस भी नहीं है, मैं एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ। पहले क्या मेरे होता था मैडम, हस्बैंड कह रहे हैं वजन बढ़ाना है, अब हम क्या करें। वजन बढ़ाना है तो भी आप धीरे धीरे चबा के खाओ, जितना भगवान ने जरूरी बनाया ना, उतने वजन में हम अपने आप आ जाएंगे। जब हम धीरे धीरे चबा के खाएंगे, सर जो परफेक्ट वेट होता है ना, उसमें हमारा शरीर अपने आप आ जाएगा। पहले जमाने में मैडम, हमारे जो पूर्वज थे ना, उनको जंगल से पहले लकड़ियां काट के लानी पड़ती थी, कुएं से पानी भरना पड़ता था, तो उनको ज्यादा खुराक की जरूरत पड़ती थी। लेकिन आज हम अपने घरों में बैठे, हमें ये सब नहीं करना पड़ता, तो आज हमें उतने भोजन की जरूरत नहीं है। लेकिन वही भोजन जब हम अचानक से कम कर देते हैं, मान लो वही एक रोटी आप 10 मिनट में खाओगे,
तो वो असर नहीं करती, जो आप धीरे धीरे चबा के खाओगे। क्यों? क्योंकि एनर्जी धीरे धीरे रिलीज होती है। तो 32 बार चबा के, जो लोग भी सुन रहे हैं हमारे सामने, रश्मि जी एक एग्जाम्पल है, ऐसे इंटरव्यूज में करता रहता हूँ। रश्मि जी ने करीब 10 किलो, अभी चेक नहीं किया, हो सकता है आप ज्यादा हो चुका हो इनका कम, तो 1 महीने पहले चेक किया था, 1 महीने पहले 10 किलो वजन कम हो गया था और कपड़ों का साइज काफी लूज इनका हो गया। इन्होंने जो कुछ भी खाया, छोटे छोटे टुकड़े लिए और हर टुकड़े को या हर चम्मच चावल को धीरे धीरे चबा के खाया, और साथ में खाना खाने के 1 घंटे बाद आपने 1 कप ग्रीन टी पी है। जी और आके सर तो वॉक करती हूँ 1 घंटे आधे घंटे जितना टाइम मिलता है, खाना खाने के बाद ग्रीन टी बना लेती हूँ, हाथ में ग्रीन टी ले लेती हूँ, वॉक करती रहती हूँ, ग्रीन टी पीती रहती हूँ, जी जी बस जी इतना करने से होता है। तो तो बटाटे वगैरह भी बंद कर दिया है। ऐसा भी लगा मैडम, जब पहले वजन बढ़ा हुआ था, कुछ आलस था जीवन में, लेजीनेस था, और अब जब वजन कम हो गया है तो हम फुर्ती से सर वो कर। लेजीनेस वाली कोई अलग की बात है सर। सबसे पहली बात ये थी कि वेट वेट तो सर 71 था, मगर सर इतना अनकंफर्टेबल रहती थी पूरी बॉडी कि आप बैठ के बर्तन वगैरह नहीं धो सकती थी, बिना पीढ़े के कोई काम नहीं होता था सर, और कपड़े पहनने में इतनी अंदर से इतनी घुटन होती थी, लगता है कि सर समझ में नहीं आता था। अब तो सर कुछ भी पहन लो सब में बहुत अच्छी फीलिंग आती है सर। वेरी गुड और वेरी जब लोग गुड। कहते हैं ना आप बहुत पतली हो गई हो, तो बहुत पतली हो गई सर, कुछ भी बहुत अच्छा लगता है। चलो मैडम, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपको ये फायदे हुए जीवन में। मेरे को अगर आप गुरु दक्षिणा देना चाहें तो ये गुरु दक्षिणा दीजिएगा कि आप जब भी कोई इंसान आपको मोटा दिखाई दे तो उसको जरूर बताइएगा कि भैया हाँ सर आराम से आप चबा के इसीलिए खाओ। सर आपको बताऊँ, जब अब मैं किसी मोटी लेडीज को देखती हूँ ना सर, तो मेरे मन में ये फीलिंग आती है, मतलब जिसको हम जानते नहीं है, अनमोल कोई रास्ते दिख जाता है बहुत ज्यादा मोटा होता है, तो मैं सर यही सोचती हूँ कि इसको रोक के पूछूँ कि तुम खाना कैसे खाते हो, तुम्हारा इतना वेट क्यों बढ़ा हुआ, तुम इसको कम क्यों नहीं कर रही हो। और सर जबकि अपना नहीं कम हो रहा था, अब दूसरे को देख के ऐसी फीलिंग आती है, तो जो अपना होता है जिसको जानकारी होती है, जैसे मेरे ननदों उनका वेट काफी बढ़ा हुआ है, तो मेरे नंदने बोला देखो भाभी का वेट कितना कम हो गया है, कितना पेट कितना कम हो गया है, ये वो कहते क्या किया क्या किया, मेरा कुछ नहीं दिया। तो मेरे तो नंदोई काफी एजुकेटेड है, बैंक में मैनेजर है, तो बोले कि हाँ बिल्कुल सही कह रही है, ऐसा होता है जितना धीरे खाओ ना वो खाना अच्छे से पच के जाता है शरीर में, तो वेट नहीं बढ़ता है। मैंने कहा पर कहते इतना टाइम कहाँ है जल्दी धीरे धीरे खाने का, मैंने कहा टाइम निकालना पड़ता है, टाइम तो मेरे पास भी नहीं है। यही चीज मैडम इंटरव्यू पर इसीलिए करता एक चीज हूँ। और बताना चाहूंगी सर इंटरव्यू में, एक चीज सर और बताना चाहूंगी सब लोगों को जो लोग सुन रहे हैं कि सर ये तो या तो हो सकता है सबकी बॉडीज वगैरह अलग अलग होती है, कि सबकी बॉडी अलग होती है, पर इतनी चीजें हैं कि मतलब आपको डिटॉक्स वाटर पीना है, आपको सॉल्ट फ्री डे करना है, या आपको मतलब ग्रीन टी तो सर जरूरी है, क्योंकि ग्रीन टी जो होती है हम खाते हैं थोड़ा बहुत उसको भी सर पचा देती है अच्छे से, लो फैट की कोई बात नहीं। उसके अलावा सर जितना एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ करना सर, मेन चीज है 32 बार, आपने अगर अच्छे से 32 बार कर दिया तो सर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही पतले हो जाओगे, मैंने देख लिया सर। अब सबको मैं यही कहूंगी 32 बार अच्छे से करिए, जितने अच्छे से कर सकते हो उतने अच्छे से करिए, कुछ करिए चाहे ना करिए आपका वेट घटेगा ही। जब मेरा घट गया सर, जितने कभी लाइफ में नहीं सोचा था सबका घट जाए, तो ये दुनिया में इससे और कोई आसान तरीका भी है जी वजन घटाने का, कोई आपको पता हो? कोई नहीं है सर, कोई भी नहीं है, कोई और कोई है पैसे तो ही नहीं नहीं, लगते इसको करने के लिए? कोई पैसे भी नहीं नहीं सर लगते? कुछ भी नहीं सर, और मैं इतनी ज्यादा पैसे? खुश हूँ, इतनी ज्यादा खुश हूँ आपको बता नहीं सकती सर। जी, जब मुझे मैं महसूस कांटे के हो ऊपर चलती हूँ ना सर, वेट अपना देखने के लिए होता है, जब उसको कम देखते हैं तो मुझे इतना अंदर से खुशी होती है कि मैं इसीलिए उनसे कह रही थी कि मेरी एक बार सर से बात करा दो, जिसकी वजह से मेरा वेट कम हुआ है, बस चलो, मैं यही चाह भगवान रही थी, एक आपको बार मैं आपसे हमेशा बात ऐसे ही करती हूँ खुश बहुत रखें। खुशी भगवान होगी। आपको ऑलवेज ऐसे ही खुश रखें जी मैडम, और आप तो सर हमेशा तंदुरुस्त रहें। जो कोई भी आज ये वीडियो देख रहे हैं, मैं ये बता दूं कि रश्मि जी ने ये सब कुछ ऐसा किया कि खाने को धीरे चबा के खाया और समय लिया खाना जी खाने में, सर, कम से कम 30 30 से 40 मतलब मिनट के सैलेड वगैरह लिए। कोई जमीन नहीं था, बहुत ज्यादा गिर गिना सैलेड खाना नहीं खाना है, सैलेड भी नहीं लिया मैंने कभी कभी, बहुत कम सैलेड लिया है, सिर्फ सब्जी रोटी खाई है, पर उसको 32 बार खाया है। जी वेरी गुड वेरी गुड। और खाना खाएं तो खाना खाने के 1 घंटे बाद 1 कप ग्रीन टी आप पी लीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। सर ग्रीन टी अगर आप लेना चाहते हैं तो वजन घटाने के लिए स्पेशली जो ग्रीन टी बनी है वो हमारी वेबसाइट है 32bar.com, वहां से जाके ले सकते हैं। जो रश्मि जी ने भी वहीं से ऑर्डर किया, मीशो पे भी मिलती है हमारी ग्रीन टी, 32 बार जी वाली आप सर सर्च कर सकते हैं। और क्या बोलते हैं, हफ्ते में 1 दिन बिना नमक का खाना खाएं। रश्मि जी अभी आपने ट्राई नहीं किया, बट आप ये बिना नमक वाला डे भी नहीं ट्राई सर करेंगे ना, आपको उस दिन ऐसा लगेगा जैसे आप हवा में उड़ रहे हो। तो एक बार ये बिना नमक का दिन भी ट्राई करें। ये क्या होता है, हमारी बॉडी को साफ करने के लिए डिटॉक्स डे होता है। उस दिन हमारे शरीर में जो भी हमने मसाले खाए हैं उसकी वजह से जो गंध जम गया है वो बाहर आने लगता है धीरे धीरे करके। तो ये सब चीजें आप लोग भी ट्राई फास्ट करें। भी हो सकता है, ये शॉर्ट पीरियड अगर हम पास कर लें। मैडम फास्ट इसलिए नहीं करते, उस दिन हमारी साइकोलॉजी जो होती है ना वो व्रत वाली बन जाती है। बेसिकली व्रत की साइकोलॉजी नहीं बनानी, साइकोलॉजी बनानी है कि शरीर को साफ करना है। तो उस दिन हम इंटेंशनली बिना नमक का खाना खाते हैं। और उस दिन खाना क्या है, अगर इसके लिए सजेशन चाहिए तो मैंने सॉल्ट फ्री डे को लेकर भी एक वीडियो बनाई हुई है, मेरे चैनल पे मिल जाएगी, वो देखिए। हाँ सारी वीडियो रोज देखती हूँ आपकी वीडियो, जो मिल जाते हैं मैं देखती रहती हूँ, अपडेट्स वगैरह सबकी कौन सी वीडियो आई है उसको देखती रहती हूँ, बहुत बढ़िया तो जी, उसके तो लिए सहायता कर लेते हैं। बहुत अच्छा लगा बस रश्मि आपका जी 32 बार आपसे बात हाँ, करके। बहुत अच्छा है सर। जी जी, बहुत खुशी हुई सर मैडम आपसे बात करके। तो ऑलवेज ऐसे ही खुश रहिए, तंदुरुस्त थैंक रहिए, और आपको जो कोई भी इंसान मिले उसे 32 बार का फॉर्मूला सिखाइएगा। और आपकी ये वीडियो देख के बहुत लोग इंस्पायर्ड होंगे आपसे, और वो भी अपना वजन कम करेंगे। अगर आप लोग हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक किया करें और नीचे कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और बहुत जल्दी मैं एक ऐसा हॉस्पिटल बनाने जा रहा हूँ जहाँ पर किसी के इलाज का कोई खर्चा नहीं लगेगा। तो ये जो ग्रीन टी आप 32bar.com से खरीदते हैं, यहाँ से 100% प्रॉफिट जो है वो उस हॉस्पिटल के निर्माण में लगेगा। तो आप लोग हमारी मदद कर सकते हैं, वहाँ से ग्रीन टी खरीदेंगे तो आपका वजन भी कम होगा और साथ में आप हमारी मदद भी कर रहे हैं हॉस्पिटल बनाने में। तो थैंक यू सो मच रश्मि जी, भविष्य में फिर से जुड़ेंगे जी थैंक आपसे। यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू। जी।